भाई साहब देखो, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते, कि इस बात को खोलो कि असली दोषी कौन है। ना हिंदू दोषी, ना मुसलमान दोषी, ना सिख दोषी, ना ईसाई दोषी है। दोषी कुछ जालिम छुपे हुए हैं। जो 6 लोग मरे हैं जिनकी हत्या हुई है, जो इस देश के लिए शहीद हुए हैं, धर्म के लिए शहीद हुए, उसमें दोषी 100% के 100%। अगर बिट्टू बजरंगी ना पाए तो मुझे आप सरेआम फांसी लगा देना। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, इसकी तफ्तीश कराई जाए बस, क्योंकि मुझे पता है इस देश के अंदर, बिट्टू को पता है कि दंगा हुआ किस बात पे है। नू हिंसा पर बीजेपी कार्यकर्ता ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, और वायरल होने की वजह यह है कि मीडिया के सामने इस शख्स ने साफ ये बात कही है कि नूह में जो हिंसा हुई उसका मुख्य साजिशकर्ता बिट्टू बजरंगी है। उसने फरीदाबाद में भी दंगे कराने का प्रयास किया था, वहाँ उसको हमने सफल नहीं होने दिया। दंगा कराने के लिए बिट्टू बजरंगी ने 3 महीने पहले से तलवार बांटी थी। मेरे पास सारे सबूत मौजूद है। ये शख्स मीडिया के सामने बोल रहा है और ये खुद इस बात का दावा कर रहा है कि मेरे पास हर चीज़ के सबूत मौजूद है। इस वजह से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इस हिंसा के दौरान खुलासा कर रही है। और ऐसे ही आपको बताते चले कि इन्होंने साफ वीडियो के अंदर ये भी कहा है कि मेवात के मुस्लिम हिंदू समुदाय के लोग हमेशा से मिलजुल कर रहते थे, और जो 6 लोगों की हत्या हुई हिंसा के दौरान, उसमें सीधे सीधे दोषी बिट्टू बजरंगी है। मतलब साफ ये है कि दंगे हुए नहीं बल्कि करवाए गए हैं। बहरहाल आप सब ने देखा कि किस तरह मेवात और हरियाणा के अंदर हिंसा ने गरीब लोगों का घरों तक उजाड़ दिए हैं, और इस हिंसा की वजह से मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म भी किया गया है। बहरहाल ऐसे वक्त में हम आप सबसे गुजारिश करेंगे कि दिल्ली फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम साहब का यह बयान ज़रूर सुने। आज हमारे लिए दुआई काम आ रही है, अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ जो है ना वो मोमिन का हथियार है। डंडा तलवार ये हमारा हथियार नहीं है, हमारा हथियार है दुआ, हमारा हथियार है अल्लाह की इबादत। कभी भी कोई बात हो, कभी भी कोई परेशानी हो, आप वुजू करिए, 2 रकात नमाज नफिल पढ़िए, अल्लाह से दुआ करिए। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की भी यही मुबारक आदत थी, जब भी कोई बात पेश आई आपने वुजू फरमाया, नफिल नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ करी। सब्र हो, इस्तकामत। हालात अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है जो हम चाहते हैं वही हो। इंसान चाहता कुछ है, होता कुछ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने यही फरमाया कि मैंने तो किसी काम के लिए पक्के से पक्का इरादा कर लिया, मैं नहीं कर सका, मैं समझ गया कि मुझसे बड़ी कोई ताकत है जो हमारे फ़ैसले को रोक सकती है। तो सब्र हो, इस्तकामत हो, अल्लाह की तरफ दुआ हो, और अल्लाह से दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमें कामयाबी मिलेगी।